हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। द क्विक वीडियो इज रिगार्डिंग एलडीसी इज अ गुड ऑप्शन। अब पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जैसे जैसे चैनल पे नए आ रहे हैं, एडमिशन के बारे में पता रिसर्च कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैं भी एलडीसी ही हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब प्रीवियस वीडियो से पता चल चुका है सबको कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो देर आर सो मेनी न्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग इज इट एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुड कॉलेज, यहाँ पे गवर्नमेंट है तो क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स पेरेंट्स के आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का रहे। सो इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू मेक इट रियली क्लियर दैट शुड यू गो विथ एलडी और शुड यू गो विथ अ प्राइवेट, फर्स्ट थिंग। अब यहां पे अगर बात एलडी वर्सेस निर्मा की है, देन आई वुड प्रेफर गो विथ अ निर्मा, ठीक है। बट यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, यानी कि जो आप कभी भी कुछ लेने जाते हो तो वहां पे छोटा सा स्टार मार्क होता है ना, और उसका मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो यहां पे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, देन गो विथ अ निर्मा यूनिवर्सिटी, एल्स यू कैन गो विथ अ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दिस इज द फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे मैं एलडी की कंपैरिजन कर रहा हूं निर्मा के साथ। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि गो विथ अ निर्मा यूनिवर्सिटी, बट व्हेन यू आर फाइनेंशियली कैपेबल, जब यहां पे कोई भी फीस की दिक्कत ना हो, देन यू कैन गो विथ अ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो आई कैन गिव लाइक यू कैन टेक इट और यू कैन नॉट टू टेक इट। अब यहां पे मैं कहने का पहले मैं बोल रहा हूं कि आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, फीस के मामले में बहुत मतलब कम फीस है, कम इन द सेंस आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, इतनी कम इसकी फीस है। दैट्स अराउंड ओनली 1500 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दे डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, ठीक है। तो यहाँ पे फीस के मामले में ये बहुत सही है, बट इसके सामने यहाँ पे एक तरह की गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे बहुत मैं रियलिटी में बहुत तो क्लियर नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म और आई कैन नॉट से मतलब मैं थोड़ा लिमिट में रहूँगा, ठीक है। सो द थिंग इज आई वुड प्रेफर इट कि गवर्नमेंट के सामने आप कोई प्राइवेट लो तो बेटर रहेगा। ये मैंने अपने हिसाब से रिसर्च करके यहाँ पे मैं आंसर कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके सामने एक मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा, और वो रहेगा आपका यहाँ पे सेल्फ स्टडी। अब यहाँ पे आप जाते हो एलडी में, कोई बात नहीं, आपने एडमिशन ले लिया, बट इसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या, देखिए आपकी कॉलेज सुबह स्टार्ट होगी 10:45 से लेके, और कभी कभी वीक में 2-3 दिन ये चलती है 2:30 तक, और बाकी के 2-3 दिन यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं 5:30 तक, ठीक है। सैटरडे में पहला और थर्ड सैटरडे को चालू रहता है, सेकेंड एंड फोर्थ में मोस्टली क्लोज रहता है। तो यहाँ पे आपने 4 या फिर 6 घंटे आप कॉलेज में बिताते हो, बट इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितनी अपनी स्किल सेट डेवलप कर रहे हो, आप किस तरह से मतलब फोकस कर रहे हो पढ़ाई के। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स लेता हूँ। पहले स्टूडेंट्स ने 4 से 6 घंटा पढ़ाई कर लिया, उसके बाद पूरा दिन वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हॉस्टल में बैठ के चिल मारते हैं, और एट द एंड सेमेस्टर आने पे सब कुछ पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं, ठीक है। उसके सामने यहाँ पे दूसरा बंदा ऐसा है कि जो 4 से 6 घंटे कॉलेज में पढ़ाई करता है, हर दिन 3 घंटे कोडिंग में बिताता है, हर दिन 1 घंटे में कुछ कॉम्पिटेटिव नया सीखता है, 1 घंटा कोई इंग्लिश का क्लासेस कर रहा है, तो इसके बाद बहुत फर्क पड़ेगा व्हेन इट्स अ टाइम फॉर द प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे पहले तरह का स्टूडेंट था, इसने सिर्फ रट्टा मार के यहाँ पे पढ़ाई की थी और पास हो गया था, और यहाँ पे स्किल बहुत सारी है। तो इनसोर्ट होगा क्या कि एलडी में आपको दोनों तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे, आप इस तरह से यहाँ पे मैंने जो पाथ बताया फॉलो कर पाओगे कि नहीं। अगर यस, तो फिर आप डेफिनेटली एलडी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपके ऊपर कोई बोलने नहीं वाला होगा कि भाई पढ़ो, स्किल डेवलप करो, तभी प्लेसमेंट होगा, तभी आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, तभी आप 12 लाख का पैकेज फोड़ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ऐसे चाबुक मार के चलाने वाला नहीं है, कोई आपका ऑर्डर ऊपर देने वाला नहीं होगा। तो बेटर रहेगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी आपके खुद के ऊपर कंट्रोल हो कर पाते हो, अगर आप मतलब सही से पढ़ाई कर पाओगे, तो फिर आप एलडी में जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अटेंडेंस की बात करो, तो अटेंडेंस ऑन पेपर ऐसा बोला जाता है कि 75% आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है, बट व्हेन आई वाज इन द कॉलेज 75% क्या 10% भी अटेंडेंस के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ भी फोकस नहीं किया जाता था। आपका मतलब 10% मतलब क्या बोलते हैं 75% ऑन पेपर कंपलसरी रहता था, बट यहाँ पे अटेंडेंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यही मैटर चल रहा होगा अभी भी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं अभी भी
इस टाइम का कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज करंटली आई एम नॉट अ स्टूडेंट, बट मैंने जब फील किया था 2018 से लेकर 22 तक, तब ये सिनेरियो चल रहा था कि कोई भी यहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। इसके अलावा यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही स्लो चलती है, यानी कि पहले मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट होती है, उसके बाद दिवाली का वैकेशन आ जाता है, उसके बाद मिड सेमेस्टर आ जाती है, मोस्टली स्टूडेंट्स मास्क बंक करके एक एक महीना घर पे छुट्टियां मनाने चले जाते थे, ये मैंने बहुत देखा था। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड आ रहा होता है, तो लोग पहले से ही मंडे से ही घर चले जाते थे और पूरा वीक पढ़ाई नहीं होती थी, तो बहुत स्लो यहाँ पे है। बट मान लीजिए कि मास बंक होता है बट उसके सामने आप घर पे कुछ एफर्ट्स डालकर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे मान लीजिए कि मास बंक करते हैं, घर पे पूरा दिन घूमने चले जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करते, तो फिर दिस इज नॉट गुड फॉर योर करियर, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने यहाँ पे बहुत फैक्ट्स आपके सामने रख दिए, तो फिर आप यहाँ पे अब इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू टेक एडमिशन, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू, बाय बाय।